वैसे तो ध्यान में प्रवेश करने के कई तरीके हैं, मगर ये कहानी आपको एक बिल्कुल अलग विधि सिखाती है। इस विधि को सीखने के लिए आपको ये कहानी पूरी जागरूकता के साथ समझनी होगी। कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक युवक की है जो ध्यान सीखने की लालसा से एक गुरु के आश्रम पहुंचता है। गुरु उसे देखते हैं और कहते हैं, क्या कारण है यहां आने का? वह युवक कहता है, गुरुदेव, मैं ध्यान सीखना चाहता हूं। गुरु पूछते हैं, क्यों, क्या कारण है, क्या वजह है जो तुम ध्यान सीखना चाहते हो? वह युवक कहता है, गुरुदेव, जो प्रसन्नता मुझे आपके चेहरे पर नजर आ रही है, जो प्रसन्नता आपके भिक्षुओं के चेहरों पर नजर आ रही है, वही प्रसन्नता मैं अपने चेहरे पर भी देखना चाहता हूं। गुरु कहते हैं, यह कारण तो इतना बड़ा नहीं है, कोई बड़ा कारण हो तो बताओ। वह युवक कहता है, क्या बिना किसी बड़े कारण के ध्यान में प्रवेश नहीं किया जा सकता? गुरु कहते हैं, यदि तुम्हारा कारण बड़ा हो तो तुम्हें गुरु की भी आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा कारण ही तुम्हारा गुरु बन जाएगा। मगर अगर तुम्हें कारण दिख नहीं रहा तो तुम्हें इस लायक बनना होगा कि तुम्हें कारण दिख सके, क्योंकि कारण तो बहुत बड़ा है, परंतु उसे मैं तुम्हें कहूं तो बात नहीं बनेगी। मजा तो तब है जब तुम खुद उस कारण को देख सको। वह युवक कहता है, गुरुदेव, मुझे कृपा कर उस कारण को देखने लायक बनाइए। गुरु कहते हैं, ठीक है, यदि तुम तैयार हो तो शुरुआत करते हैं। उस युवक को उन गुरु के द्वारा दीक्षा दी जाती है। वो एक भिक्षु का जीवन व्यतीत करने लगता है और धीरे धीरे ध्यान के लिए तैयार होने लगता है। एक दिन वो अपने गुरु के पास जाता है और उनसे कहता है, गुरुदेव, मुझे कृपा कर कोई विधि बताइए जिससे मैं ध्यान में प्रवेश कर सकूं। गुरु कहते हैं, अभी ठहरो, अभी समय नहीं हुआ। गुरु की बात सुन वह युवक वहां से चला जाता है। कई दिन बीतने के बाद वो फिर अपने गुरु के पास जाता है और उनसे कहता है, गुरुदेव, मुझे कृपा कर कोई विधि बताइए जिससे मैं ध्यान का अनुभव कर सकूं। गुरु कहते हैं, मैं तुम्हें ध्यान की विधि तभी बताऊंगा जब तुम मुझे मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे। वह युवक कहता है, कैसा प्रश्न गुरुदेव? गुरु कहते हैं, क्या तुम दोनों हाथों से ताली बजा सकते हो? वह युवक कहता है, हां गुरुदेव। गुरु कहते हैं, बजा कर दिखाओ। वह युवक अपने दोनों हाथों से ताली बजाकर दिखाता है। गुरु कहते हैं, ये तो ठीक है, अब एक हाथ से ताली बजाकर दिखाओ। गुरु की बात सुन वह युवक थोड़ी दुविधा में पड़ जाता है। वो सोचता है कि भला एक हाथ से ताली कैसे बज सकती है।
परंतु गुरु ने पूछा है, उत्तर तो देना पड़ेगा। वह युवक अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव मुझे थोड़ा समय चाहिए। गुरु कहते हैं, तुम्हें जितना समय चाहिए ले लो। वह युवक अपनी कुटिया में जाता है और गहन चिंतन में लग जाता है। चिंतन और चिंता में अंतर होता है। चिंतन आपको निखारता है और चिंता आपको नष्ट करती है। कई घंटों तक चिंतन करने के बाद उस युवक को एक ध्वनि सुनाई देने लगती है। यह किसी संगीत की ध्वनि होती है और वह युवक सोचता है कि यही एक ताली की आवाज है। वो दौड़कर अपने गुरु के पास जाता है और उनसे कहता है, गुरुदेव क्या आप इस संगीत की ध्वनि को सुन पा रहे हैं? गुरु कहते हैं, हां मैं सुन रहा हूं। वह युवक अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव यही है एक ताली की आवाज। गुरु कहते हैं, नहीं ये एक ताली की आवाज नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, तुम और प्रयास करो। गुरु की बात सुन वह युवक वहां से चला जाता है और वो खुद से ये सोचता है कि यदि मैं यहां बैठकर एक ताली की आवाज सुनने का प्रयास करूंगा तो ये संगीत की ध्वनि मेरे मार्ग में बाधा बनेगा, मैं कोई शांत जगह खोज लेता हूं। वह युवक एक शांत जगह खोज लेता है और वहां ध्यान की अवस्था में बैठकर खुद से ये प्रश्न पूछता है कि एक ताली की आवाज क्या हो सकती है। अचानक उसे बहते हुए पानी की आवाज सुनाई देने लगती है और वह सोचता है कि यही एक ताली की आवाज है। वो अपने गुरु के पास जाता है और उन्हें वहां नदी के पास लेके आता है और उनसे कहता है, गुरुदेव ये रही एक ताली की आवाज। गुरु कहते हैं, कहां है ये? तो बहते पानी की आवाज है, ये एक ताली की आवाज नहीं, तुम और प्रयत्न करो। वह युवक वापस अपनी कुटिया में जाता है और दोबारा एक ताली की आवाज सुनने का प्रयास करता है। वो बहती हवा की आवाज सुनता है परंतु वो समझ जाता है कि ये एक ताली की आवाज नहीं है। वो पक्षियों की आवाज सुनता है परंतु वो भी एक ताली की आवाज नहीं होती। लगभग एक वर्ष तक वह खुद से यही प्रश्न पूछता रहता है कि एक ताली की आवाज क्या हो सकती है। इसी चिंतन में एक दिन वो ध्यान में प्रविष्ट हो गया। सभी आवाजें पीछे छूट गईं और उसने एक ताली की आवाज सुनी। क्या आप भी उस आवाज को सुनना चाहते हैं? अगर हां तो आप भी उस आवाज को सुन सकते हैं। बस आपको एक छोटा सा काम करना है। अगले 30 सेकंड के लिए अपने आंख और कान को बंद कर लेना है। आप जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, एक जगह पर चुपचाप से बैठ जाइए और अपने आंख और कान को बंद कर लीजिए। आपके पास है 30 सेकंड।
कुछ लोगों ने आवाज सुनी होगी और कुछ लोगों ने नहीं। जिन्होंने नहीं सुनी वो इसके बाद दोबारा सुनने का प्रयास करें। अब अहम प्रश्न ये उठता है कि ये एक ताली की आवाज कैसे है। इस प्रश्न का उत्तर है, कोई भी आवाज उत्पन्न करने के लिए दो चीजों का टकराना आवश्यक है, परंतु ये आवाज बिना किसी टकराव के आ रही है। और इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं जहां ये आवाज ना हो। ये शून्यता की आवाज है। कई प्रश्नों के उत्तर शब्दों से परे होते हैं, इसलिए हर प्रश्न के उत्तर को शब्दों में ना ढूंढें। अगर आप एक प्रश्न के साथ ठहरना सीख गए तो आपको उत्तर का अनुभव होगा।